बर्जर रेड ऑक्साइड प्राइमर लाइट, डिब्बे को खोलना है और लगाना है तो ये रेड ऑक्साइड प्राइमर लाइट खरीद सकता है। और रेट में सिर्फ 10 रुपये का अंतर है। ये आपको 1 लीटर 170 में मिलेगा, ये आपको 1 लीटर 180 रुपये में मिलेगा। लेकिन 4 लीटर लोगे तो 580 का मिल जाएगा, दोनों ही सेम रेट में ही है, 10-20 रुपये कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें आप ज़्यादा तेल मिला सकते हो, ठीक है ना। 1 लीटर के अंदर 500 से लेकर 700 ml तक तेल इसमें आप मिला सकते हो। ये बर्जर का रेड ऑक्साइड बहुत बढ़िया होता है, इसमें आप ज़्यादा तारपिनाइल मिला सकते हो, ठीक है। ऐसा साफ डब्बा लेंगे, ये देखो कितना गाढ़ा होता है, यूज़ करेंगे ना तब भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। पहले हम इसको यूज़ करके दिखाते हैं। पाँच सौ एम एल दे सकते हैं, देखो हाफ लीटर हमने डाल दिया टर्पेंटाइन ऑयल। पुराना डब्बा होता है ना, पुराना पैक जो डेट ओवर हो जाता है, वैसे डिब्बे होंगे तो नीचे जम जाता है, समझ रहे हो ना। देखो नया लेने से फ़ायदा ये है, देखो नीचे बिल्कुल जमा हुआ नहीं है। हमने लगभग आधा लीटर तारपीन ऑयल ला दिया, टर्पेंटाइन तो लेकिन तारपीन ऑयल लोग बोलते हैं। और इसको लगाने से पहले अच्छे से मिक्स जरूर कर लें, ठीक है। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और लगाते वक्त अगर हमें और गाढ़ा लगेगा तब हम इसमें ऊपर से और तारपीन ऑयल यानी टर्पेंटाइन ऑयल और मिला सकते हैं, ठीक है। लेकिन शुरू में हम 500 ml से ज़्यादा नहीं डालेंगे 1 लीटर में, लेकिन इसमें 700 ml तक तारपीन ऑयल मिला सकते हो, लेकिन इसमें कम डालें। लेकिन ये जब करेंगे तब भी हम बताएंगे, ठीक है। पहले मिक्स कर लेते हैं। जल्दी अगर प्राइमर करना है तो 4 इंच के ब्रश से करो, इस तरीके से डीप करो। इससे ज़्यादा तारपीन ऑयल नहीं देंगे, इससे ज़्यादा देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ऐसे ही करते चले जाना। 1 लीटर में 500 ml, ठीक है।
देखो जिसको ज्यादा मिक्स करना पसंद नहीं है ना वो ये लाइट वाला खरीद सकता है, ये भी बहुत अच्छा है, लाइट वाला आप ले सकते हो, ठीक है ना। ये देखो ये उसके मुकाबले काफी पतला होता है, देखो नीचे ज्यादा बैठा हुआ नहीं है, ठीक है ना। इसमें आप 200 ml तेल मिला सकते हो, 200 ml तो हम मिलाएंगे। ये देखो अगर आपको पूरी तरीके से साफ करके निकालना है ना प्राइमर, तो आप इस तरीके से 2 इंच के ब्रश से आप ऐसे घोल कर निकाल सकते हो। अंदर बाहर दोनों साइड हो जाएगा। देखो लगाने से पहले अच्छे से मिक्स कर लो, और जरूरत हो तो लगाने के बाद चेक करो, अगर थोड़ा सा और टर्पिन ऑयल टर्पेंटाइन ऑयल मिलाना जरूरी है तो आप ऊपर से दे सकते हो, लेकिन पहले ही बहुत सारा तेल इसमें नहीं मिलाना है, समझे। करते समय जरूरत हो तो थोड़ा और दे सकते हो, लेकिन सारे मटेरियल में पहले से ही बहुत सारा टर्पेंटाइन ऑयल ना मिलाए, ठीक है। और 4 इंच के ब्रश से करोगे ना बहुत ही जल्दी होता है, वो भी शटर में अगर करना है या दरवाजे में, तो ये तो खिड़की या चौखट में करोगे तो 2 इंच या 3 इंच के ब्रश से करना, क्योंकि इतना बड़ा ब्रश से अगर छोटे जगह पर करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। ये तेजी से काम करने के लिए ठीक होता है। दोनों डब्बों को गौर से देखो, दोनों में सिर्फ 10 रुपये का अंतर है, 180 में मिलेगा लाइट वाला, 170 रुपये में मिलेगा, और दोनों में ही फायदे हैं। 1 लीटर ऑयल की कीमत है 150 रुपये, तो 75 रुपये का तो आपको तेल मिलाना पड़ता है, तो महंगा ये भी पड़ जाता है, ये भी कुछ सस्ता नहीं पड़ता है। अच्छा ये रेडी टू यूज होता है, बना हुआ है, तो आप इसमें 100 से लेकर 200 ml तक टर्पेंटाइन ऑयल मिला सकते हो, लेकिन ये 10 रुपये कम में है। अगर आपको ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करना है, थोड़ा बहुत तेल डालना है डालो, डाल के अपना रेडी टू यूज है, काम करो, ठीक है। दोनों के अलग अलग फायदे हैं, जिसको चाहो उसको ले सकते। प्राइमर ज़्यादा गाढ़ा है, 100 ml और दे सकते हो, दोबारा लगा के आपको देखो। अब ठीक हो गया, स्मूथली ब्रश चलना चाहिए, बहुत स्पीड से काम भी होगा और स्मूथ ब्रश भी होगा। इस तरीके से देखो कहीं पे भी पुराना आयरन लगा हुआ हो तो उसमें थोड़ा रस्ट यानी जंग पकड़ लेता है। मीटर वाला सैंड पेपर 80 नंबर का, 100 नंबर का, 120 नंबर का आप लगा सकते हो। देखो ये तो है नया, ठीक है, लेकिन ये भी नया ही था, लेकिन इसमें रस्ट पकड़ लिया यानी कि जंग पकड़ लिया, तो इसमें प्राइमर लगाने से पहले इसमें शेडिंग करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से शेडिंग कर लें उसके बाद करें, ठीक है। और देखो नीचे ऐसे बिछा लें, तेज रोशनी है, जबरदस्त। इसमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं है, बंद जगह पर भी हमने इसको यूज़ करके देखा है, ज़्यादा स्मेल नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए ये बहुत अच्छा
तारपीन ऑयल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखिए जब रेड ऑक्साइड प्राइमर किया ना तो बंद जगह पर, फिर भी इसमें मतलब ठीक ठाक स्मेल है, उतना ज़्यादा नहीं है कि दम घुट जाए, इसलिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरा जितने भी आप लेते हैं ना मार्केट में तारपीन ऑयल, अभी तक उसमें इतना स्मेल रहता है कि अगर बंद हो तो बहुत ही ज़्यादा घुटन महसूस होता है। ये वाला अच्छा है, ये आप ले सकते हो।